करना, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है गरजना, लोगों के लिए बात करना, हम अपना काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे की संदेश देना चाहिए? निशिकांत दुबे एकदम बकवास इंसान है। भारतीय जनता पार्टी यानी बाहरी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म में बिहार यूपी जनता पार्टी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपको लॉजिकली बताते हैं, उनके सांसद कौन है? पीएन सिंह यूपी के, चलिए जाते हैं हजारीबाग, जयंत सिन्हा यूपी या बिहार के, चलिए उसी रास्ते में पार होते हैं सुनील सिंह चतरा के, बिहार के, निशिकांत दुबे बिहार के, संजय सेठ हरियाणा के, कहाँ है झारखंड के लोग, कहाँ है? तो झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के जो आमचे चमचे बेलचे हैं, बस झंडा ढो सकते हैं, प्रखंड अध्यक्ष बन सकते हैं, मीडिया प्रभारी बन सकते हैं, वो भाजू उमो और थोड़ा सा हम लोग राड लोग हैं, कुछ बात फिसल जाता है, बुरा नहीं मानेगा, वो इंस्पेक्टर चकचा ना क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, बोलिए थोड़ा बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए मीडिया में हमारा मना खिल्ली नहीं उड़ाएगा, हम खुद बोले वर्ड सबको सब चीज नहीं आता, क्या बोले इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उच्चारण हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आता भाई, ढांचा ढांचा हम लोग ढांचा, हाँ उस पर हम जवान धड़ दे रहे हैं। तो जितना भी लोग है मैक्सिमम ना बीजेपी का मतलब है बाहरी। अब सवाल करते हैं कि भाई बाहरी को क्यों स्थापित करना चाहती है, क्योंकि बाहरी उसके इशारे पर चलेगी, झारखंडी के पास सेंटीमेंट है जल जमीन जंगल का, झारखंडी उनके इशारे पर चलेंगे नहीं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है, आप सर्वे कीजिए, उनका शायद 12 को विधायक है, 12 को में रिजर्व सीट को अगर छोड़ देंगे तो सब विधायक उनका बाहरी है, वो खाली विद्युत बरन महतो जो है हुआ शायद झारखंडी, हाँ जो सांसद, हम संसद की बात कर रहे हैं, विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब केंद्र का मामला थोड़ा केंद्र को लपेटते हैं तो निशिकांत दुबे बाहरी लोग हैं, हाँ कह सकते हैं एज ए सांसद उन्होंने सवाल ठीक किया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप मैंने झारखंड की भावना को समझते हैं। हम चाहेंगे हमें बांग्लादेशी कहने से पहले वो अपना डीएनए जांच करें और इस राल क्षेत्र के हैं कि नहीं, बिहार के भी है कि नहीं, पहले उनको चेक कीजिए। दूसरा बात, उनको बस मीडिया इतना ही सवाल कीजिए, सही बात, वो एक काबिल सांसद हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो जब बड़ा अच्छा बोलते हैं तो ये बताइए साल का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, कहाँ गया उनको पूछिएगा, सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं। और स्पष्ट कहे आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा माहौल है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ऐसा है, आप बीजेपी में चले जाइए सारे पाप धुल जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ये बंदा कुतुब मीनार से कूद रहा था, कसम बहुत सम्मान करते थे इनका, कुतुब मीनार से बंदा कूद रहा था, आज नीचे कोई उसको छाक लिया है, ये कंडीशन है। तो इसलिए निशिकांत दुबे जी बिल्कुल उन लोग देश को केवल गुमराह कर रहे हैं। आप इसी देश में देखिए ना, उन लोग कब अचल चिल्लाता है, जब उन लोग जाति धर्म देखता है। यही बगल में एगो ममता महतो नाम की बहन थी, एगो कोई कोई सोरेन करके बहन थी, एक कोई नताशा करके कोई बहन थी, उन लोग का तीनों का हत्या होता है, कोई निशिकांत दुबे और कौन है वो दिल्ली वाला पूछ जाता है, अरे दिल्ली वाला कपिल मिश्रा नहीं आता है उन लोग, लेकिन जैसे देखता है कि हिंदू मुस्लिम के एंगल इन लोग आ जाता है, तो इन लोग केवल एंगल देखता है। पहला बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, अपराधी किसी धर्म का रहे अपराधी अपराधी होता है, हम लोग खुल के अपराधी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी एंगल देखती है, क्यों ये लोग बहन बहन नहीं थी, कहे ना कपिल मिश्रा को पूछेगा मीडिया वाले, एक हफ्ता के अंदर 3 को बहन मारी गई, लेकिन उन लोग जैसे ही देखता है बीजेपी को अपना कि वोट बैंक उन लोग पहुंचते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी है, लॉजिकली हम प्रमाण कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, काय हवा हवाई बात करेंगे, हम मोदी थोड़ी हैं, हम थोड़ी 150 का स्पीड में गेंद फेंकते हैं, हम एक पढ़ा लिखा लड़का है, हम लॉजिकल बात करते हैं। हजारीबाग के सांसद बाहरी, धनबाद के सांसद बाहरी, रांची के सांसद बाहरी, आपके गोड्डा के सांसद बाहरी, आपका चतरा के सांसद बाहरी, शायद पलामू के सांसद बाहरी, 7 को तो सांसद आपके बाहर कट होके बैठे हैं, तो अगर झारखंड लोग खाली आपका झंडा ढोएगा, इसीलिए बीजेपी का मतलब झारखंड के लिए केवल और केवल बाहरी लोगों को स्थापित करना। दूसरी बात, आज अगर युवा नहीं जागते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टियों को नकार कर नहीं फेंकते हैं तो आने वाला दिन बहुत दुर्लभ स्थिति होगा। उदाहरण के लिए आप कृषि आंदोलन को देख सकते हैं, सबसे पहले जब कृषि आंदोलन आया था तो बीजेपी के जितने पार्टी के समर्थक थे, जिनको 2-3 हजार रुपये पेमेंट मिलता है सोशल मीडिया में लिखने के लिए, लोग धक धक लिख रहा था, अरे बोका लोग, मेरा जितना झारखंडी भाई लोग जब मीडिया प्रभारी बना है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की बात हो रहा है, इतना ही अपना पार्टी से पूछिए कि कृषि बिल आप विशेष सत्र में क्यों लेके आए हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 123 कहता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हुए आप विशेष सत्र बुलाते हैं, तो कृषि कानून तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस समय कोरोना का मैटर था, आप कोरोना पे चर्चा कर सकते हैं, उतना ही नहीं आपको स्पष्ट कहेंगे बनारस से कलकत्ता तक एक हाईवे पास हुआ है, आप लोग भी सुने होंगे कानों कान, उस हाईवे के दाएं और बाएं और एक एक किलोमीटर जमीन जाएगा,
हमारे झारखंड में शायद रांची और रामगढ़ या सरायकेला को टच करेगा, हजारीबाग को भी शायद टच करेगा, एक्सप्रेस हो जाएगी, उसमें एक किलोमीटर दाएं एक किलोमीटर बाएं जमीन लिया जाएगा। अगर किसान नहीं जागते हैं और मोदी की भगतगिरी नहीं छोड़ते हैं किसान के बेटे, एक किलोमीटर जमीन याद रखिएगा बाएं दाएं दोनों तरफ लूटा जाएगा। किसको अडानी है, उसमें क्या बनेगा, शायद वेयर हाउस बनेगा। बताइए, देश अडानी का है, देश अंबानी का है, देश टाटा का है, मुट्ठी भर लोगों का देश है। देश अगर किसान का है तो एक किलोमीटर जमीन औने पौने दाम में लूटने की तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं आज वास्तव में देश को भी और राज्य को भी उलगुलान की आवश्यकता है, पढ़े लिखे छात्रों को आज लड़ना होगा। यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उनका लगभग 21 शिक्षा संस्था चल रहा है, आप किस प्रकार उसको देख रहे हैं? हाँ देखिए, मोटा मोटी जितने भी विधायक सांसद बने हम लोग पहला काम करता है बीएड कॉलेज खोलना, आज दो चार को माल अपार्टमेंट खोलना, इन लोग का बस चले। हम ईमानदारी से बोलते हैं इनके पास मानवता नहीं है। हमारे धनबाद और बोकारो के आसपास जितने विधायक हम देखे इनके पास मानवता नाम की चीज नहीं। मानवता मतलब अगर पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है तो जाके उसे पूछना, बाबू भूख से क्यों रो रहे हो। इन्हें खाली कह दीजिए कि हम पूरा गांव का जमीन आपको बेचेंगे, इन लोग अटैचिंग पैसा लेके आ जाएगा, एक पल नहीं सोचेगा कि इन लोग कहां जाएगा। तो इसलिए सही बात है, आप जहां जाना है बिग बाजार जाइए, रांची का तमाम जितना भी बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जितना मार्केट बना है सब में कोई ना कोई विधायक मंत्री कोई ना कोई सांसद के इंटरफेयर है, पार्टनरशिप चल रहा है। तो इन लोग के भरोसे ना देश चलेगा ना इनके भरोसे राज्य चलेगा। आज एक गुलगुलान की आवश्यकता है, क्रांतिकारी बन के सत्ता के साथ साथ व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना होगा। टाइगर जयराम दोबारा सिंदरी जाएगा कि नहीं जाएगा? बार बार जाएंगे तो सिंदरी डीएसपी सर का नहीं है, सिंदरी डीएसपी सर का नहीं है, हमको पता है नहीं जी क्या होगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, अगर आपको लगता है हम अपराधी हैं तो आके गोली मार दीजिए, लेकिन गौण हाथ पे मत मारेगा सर, हम लोग दवा पानी नहीं कर पाएंगे, गरीब लोग हैं, यहाँ मारिए चाहे यहाँ मारिए, किस्सा खत्म कर दीजिए। सिंदरी में दादा प्लांट को लेकर बैठक था और बैठक में जो इतने सारे पुलिसकर्मी जो बैठक था प्लांट को लेकर सब जानता है कि जैसे छोड़ा अभी तेज है, सभी जान रहे हैं कि छोड़ा अभी तेज है, ये आएगा तो थोड़ा सा इन लोग को जोश में भर के जाएगा। तो कंपनी के माध्यम से स्थानीय रंगदारों को पैसा मिलता है, स्थानीय प्रशासन को पैसा मिलता है। तो इसलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए हथकंडा कल अपना रही थी, और हमको जहां तक लड़का लोग गिन के बताया कि 20 को गाड़ी आया था पुलिस का। यार एगो फटफटी लेकर तो उसी में बैठ के हम चल जाते हैं। तो मैसेज कह रहे थे कि प्लांट पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर 75% वाला काम अभी कैसे होगा? अभी देखिए कंपनी के भीतर क्या होता है जितेंद्र बाबू कोई नहीं जानता है। हम बाहर से देखने गए हैं क्या सार्वजनिक हो रहा है, भीतर में क्या हो रहा है, तो ठीक उसी प्रकार वे लोग छलिया लोग हैं, कपटी लोग हैं। आप जो हवाई पट्टी आप लोग देखे हैं और जितने मीडिया वाले हैं, आप जाके वो कवरेज वहाँ कीजिएगा हवाई पट्टी का, वहाँ इतना बड़ा जमीन है, आप सवाल कीजिएगा, आप सीधे सवाल कीजिएगा राज्य सरकार से कि राज्य सरकार को यह आदेश है मैंने न्यायालय का कि यदि उस जमीन पर उद्योग नहीं बस रहा है तो जमीन वापस कर देना चाहिए किसान को। तो अभी तक हवाई पट्टी का जमीन किसानों को वापस कहे नहीं हुआ, तो आप लोग जाके विनोद बाबू का शहादत दिवस इतिहास है। लेकिन आप जब सिंदरी का बात किए हैं तो सिंदरी को दिखाइएगा किस प्रकार, 2 रुपये डिसमिल कहाँ जमीन मिलता है, कितना सताया गया है। तो इसलिए हम लोग लड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे, जिएंगे या मरेंगे परवाह नहीं है, हम लोग लड़ेंगे। तो आज शहीद सत्यनाथ जी का शहादत दिवस है और झारखंड के आंदोलन में हो चाहे प्रक्षेत्र के नेतृत्व करने काफी सारे लोगों ने अपना शहादत दिया था, तो क्या उनका परिवार भी अभी मतलब अच्छे अवस्था में भी है? नहीं, किसी भी आंदोलनकारी का परिवार अच्छी अवस्था में नहीं है। उनके नाम को चमकाकर बहुत सारे लोग लीडर बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, बड़े बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन उनका परिवार जहाँ तक हमको लगता है आज भी उस अवस्था में नहीं है जितने भी आंदोलनकारी है। मैं जिस